तो IPL 2022 को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट्स आ रही है, जहां बीसीसीआई ने अहमदाबाद की इस नई फ्रेंचाइजी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसके चलते अहमदाबाद की इस नई टीम ने अपने कप्तान की भी घोषणा कर दी है, जहां अपने कप्तान के तौर पर जबरदस्त ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान चुना है। चाहे इससे पहले रिपोर्ट ये आ रही थी कि श्रेयस अय्यर को अहमदाबाद की यह नई टीम अपना कप्तान बना सकती है, लेकिन यहाँ पर काफी डिस्कस हुआ, उसके बाद अहमदाबाद की इस नई टीम ने हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान चुना है। IPL 2022 के लिए यही नहीं, अहमदाबाद की इस टीम ने ना सिर्फ कप्तान बल्कि खिलाड़ी और कोच को लेकर भी कई बड़े बड़े फैसले लिए। इस वीडियो में पूरी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि IPL 2022 की तैयारी जोरों शोर से चल रही है, जहां एक तरफ लखनऊ की टीम पूरी तैयारियों में लगी हुई है, दूसरी ओर अहमदाबाद की टीम काफी खामोश नजर आ रही थी, क्योंकि इस टीम के ऊपर केस चल रहा था, जहां अहमदाबाद के जो ओनर्स हैं सीबीसी कैपिटल्स, उनके पार्टनर सट्टेबाजी के केस में फंसे हुए थे, और इसी कारण अहमदाबाद की टीम पर सस्पेंस था कि क्या यह टीम IPL 2022 में पार्टिसिपेट कर पाएगी भी या फिर नहीं केस की वजह से। लेकिन अब यह केस खत्म हो चुका है और अहमदाबाद की टीम को लेटर ऑफ इंटेंट बीसीसीआई की तरफ से दे दिया गया है, यानी कि ग्रीन सिग्नल इस टीम को मिल चुका है, जिसके चलते अहमदाबाद की टीम ने अपने कप्तान को लेकर भी बड़ी अपडेट्स दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अहमदाबाद की टीम ने श्रेयस अय्यर को नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान चुना है IPL 2022 के लिए। दरअसल हार्दिक पांड्या को कप्तान चुनने के पीछे वजह कई सारी बताई जा रही है। पहली बात तो यह कि अहमदाबाद की जो टीम है यह गुजरात शहर के बेस पर है और हार्दिक पांड्या गुजरात से ही हैं, तो फैन बेस की वजह से हार्दिक पांड्या को कप्तान चुनने की सबसे बड़ी और मेन वजह यही रही है। तो वहीं कोचिंग स्टाफ को लेकर भी अहमदाबाद की टीम ने कई बड़े बड़े फैसले लिए हैं, जहां डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया अहमदाबाद की इस नई टीम ने IPL 2022 के लिए विक्रम सालोंगी को, तो वहीं अपना हेड कोच चुना है भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा को, जबकि अपना मेंटोर चुना है गैरी क्रिस्टन, जो इससे पहले भारतीय टीम को साल 2011 का वर्ल्ड कप जिता चुके हैं अपने कोचिंग में। अब चलिए बात करते हैं अहमदाबाद के उन तीन खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें प्री पिक करने वाली है मेगा ऑक्शन से पहले। तो रिपोर्ट्स के अनुसार पहले खिलाड़ी हार्दिक पांड्या होंगे, जबरदस्त ऑलराउंडर जो इनके कप्तान भी बनने वाले। तो वहीं राशिद खान को अपनी टीम में शामिल कर रही है, बेहतरीन स्पिनर को, जबकि तीसरे खिलाड़ी के तौर पर ईशान किशन जबरदस्त युवा विकेट कीपर बल्लेबाज को अपनी टीम में शामिल कर रही है। तो इन तीन खिलाड़ी को अहमदाबाद की टीम पिक करने वाली है मेगा ऑक्शन से पहले, मिनी ड्राफ्ट में या फिर आप कहें स्पेशल पिक में। तो फिलहाल ये अहमदाबाद की टीम को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट, जो कि ये कन्फर्म अपडेट्स है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें।